आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ कल 2 दिवसीय बलरामपुर दौरे पर रहेंगे। वहीं दोबारा सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी का जिले में पहला दौरा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अप्रैल को 4 बजे जनपद पहुंचेंगे। बता दें कि सीएम योगी गोरक्षपीठ के पीर रतननाथ की मूर्ति की अनावरण करने के लिए बलरामपुर पहुंच रहे हैं। साथ ही सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का भव्य स्वागत किया। वहीं गोरखपुर बॉर्डर सिहापार हॉल्ट से लेकर गोरखनाथ मंदिर का डॉक्टर संजय निषाद का भारतीय जनता पार्टी, निषाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर भव्य स्वागत किया। वहीं जब ओम प्रकाश राजभर की बात की गई कि भैया को किस तरह से मनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी में भैया थे तो हीरो थे, और जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया तो अब हीरो हो गए। जिस समुदाय का संघर्ष कर रहा था विकास के मुख्यधारा में लाने के लिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको विभाग मिला है। हमारे आग्रह को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है, और सदियों से जो उपेक्षित समुदाय था, जिस पे पिछली सरकारों ने इनके हिस्से पर डकैती डाला था, उनको विकास की मुख्यधारा में लाना है, सर्वे कराना है, जो नदियों से उजड़े हैं, और जो इस पेशे में कोई भी बिरादरी हो, और गरीबों को। तो कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया निषाद पार्टी के तरफ से। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, निषाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर भव्य स्वागत किया, तो ओम प्रकाश राजभर की बात की गई तो उन्होंने कहा कि भैया को किस तरह मनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जब भारतीय समाज जनता पार्टी में भैया थे तो हीरो थे, और जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया तो जीरो हो गए। गोरखपुर से खबर सामने आ रही है, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच घमासान शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल ने क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य वर्चुअल तरीके से विधान परिषद चुनाव को लेकर संवाद किया। वहीं बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री पाठक ने मीडिया से बात भी की। चतुर्मुखी विकास में पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में दीपक आईडी नहीं है, अपने अपने क्षेत्रों में काम करें और उन्हें भारी बहुमत से जिता करके उत्तर प्रदेश के उच्च सदन यानी विधान परिषद में भेजने का काम करें। वर्तमान परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए काम किया है। अभी हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, और उत्तर प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों के जो उद्देश्य है वो भारत। खबर गाजियाबाद से है, जहां सूबे के मुखिया गौ रक्षा संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं गाजियाबाद में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद सनसनी मच गई। राजनगर एक्सटेंशन में गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। घटना यह है कि हमें सुबह 9:30 बजे सूचना मिली कि राजनगर स्टेशन में अपेक्स हॉस्पिटल के बगल में और अग्रवाल हेड के बगल में गौकसी हुई है। जब हम वहाँ का वारदात पे आए तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 गौवंश की जो है सिर पाए गए हैं, अवशेष हैं, खाल भी हैं। तो ये चाहे तो काय कहीं से काट के गौ माता को लाया गया है या यहाँ पे अवशेष पड़ा हुआ है, यहाँ काटा गया, यहाँ अलग किया गया है। लेकिन इस तरह की घटना यहाँ पहले 6 महीने पहले भी हुई थी, और हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो,
जैसा कि विगत में पिछले दिनों आपने देखा था विजयनगर थाने में भी 13 गौहत्या हुई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आए दिन लगातार घटनाएं हो रही हैं। मैं ये चाहता हूं, प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इन पर अंकुश लगाइए और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए जो ये घटनाएं कर रहा है। अच्छा, इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं क्या? इससे पहले लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगभग 2-4 महीने से 7वीं 8वीं घटना है ये, जिसमें आज लगभग 3 ऐसे तत्व मिले हैं, 3 पशुओं का जो वो मिला है एक साथ, वो काफ़ी। अच्छा, क्या वजह आप मानते हैं? अप्रोक्स हमें यहाँ पे 10 बजे खबर मिली थी कि मोटा गांव वालों से, यहाँ पे निवासी हैं, कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे गौ तस्करी होने के बाद में, और गौ इसके काटा जाता है, गोकशी करके उनका अवशेष यहाँ पे डाला जा रहा है। यहाँ पे 2-3 बार उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया गांव वालों ने, उसके बाद उन्होंने थोड़ा पीछे करके डालना शुरू कर दिया। और विजयनगर में भी ये काफ़ी घटना काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, लगभग 13 से 14 गौकशी वहाँ पे हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर देर रात हुए हमले में बैरिकेडिंग और सीसीटीवी के क्षतिग्रस्त होने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके बाद फरीदाबाद के बीके चौक पर भी प्रदर्शन किया गया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जब वो प्रदर्शन करने आए लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, तो उनके जवाब हैरान करने वाले थे। कोई बता रहा था कि केजरीवाल के घर पर बुलडोजर चल गया है, तो कोई केजरीवाल पर हमले के बाद बता रहा था, तो किसी को ये ही नहीं पता था कि वो यहां आए क्यों हैं। बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के साथ महंगे होते सिलेंडर को लेकर कांग्रेसियों ने रायबरेली में जमकर प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर पर गैस सिलेंडर रखकर शहर की सड़कों पर मार्च निकाला। कांग्रेसियों का प्रदर्शन मार्च तिलक भवन से शुरू होकर सदर तहसील परिसर में समाप्त हुआ। प्रदर्शन मार्च का नेतृत्व कर रहे पूर्व जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने इस दौरान कहा कि केंद्र की महंगाई पर अंकुश लगाने में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार पूरी तरह नाकाम है। हम इसकी भाजपा सरकार की पूरी तरह से नाकामी समझते हैं। ये आम जनमानस के साथ नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ है, उसी का ये फायदा कराती है। जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं और हमारी गरीब लोग हैं, इनके साथ ये कतई ये सरकार नहीं है। महंगाई से जनता परेशान है। जब अभी 4 महीने चुनाव के जब डिक्लेयर हुआ, उसके पहले से दाम बढ़ना, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ना बंद हो गए थे, जैसे मतगणना हुई निरंतर 8 बार इसके दाम बढ़ रहे हैं, रोजाना दाम बढ़ रहे हैं। तो अभी जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई 2013 के बाद, 8 सालों में इन्होंने 26 लाख करोड़ रुपए इस पेट्रोल के। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर देश में बढ़ती महंगाई को लेकर उत्तर प्रदेश जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसियों की ओर से कई जगह गैस सिलेंडर डीजल और पेट्रोल को रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वर्षा उल्ला चौधरी के आवास के सामने कांग्रेसियों ने डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर में लगातार बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की तरफ से महंगाई पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस मोदी सरकार द्वारा चुनाव के बाद आज 9 दिन में लगातार 8 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं और डीजल के दाम की गई है, साथ में गैस सिलेंडर का दाम 1 बैग 55 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, जिससे जनता त्राहि त्राहि कर रही है। आज इसी बात को लेकर के हम कांग्रेस के लोग इकौना में जिला अध्यक्ष उल्ला चौधरी। उत्तर प्रदेश के बलिया में 12वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नगर क्षेत्र के स्थायी पत्रकार भी शामिल हैं। वहीं आरोपी पत्रकार दिग्विजय सिंह ने मामले में कोई सनसनीखेज खुलासे किए हैं और अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हमारे आरोप 420, 471, 470, ITA
आज धराएं लगा करके उत्पीड़न के लिए मुझे दबाने के लिए यह आरोप लगाया गया है। मेरे साथ नहीं लाए गए हैं, हम दो प्रेस वाले हैं, राष्ट्रीय सहारा के मनोज कुमार गुप्ता और मैं अमर उजाला का समाचार दिग्विजय सिंह। इसके अलावा वो पुलिस दिखा रही है कि ये लोग माफिया हैं। इसमें हम मेरे अलावा 13 लोगों को लाए हैं, 13 में से कोई भी। खबर कानपुर से है जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कानपुर के जरीब चौराहे पर एकत्र होकर केजरीवाल के पुतले को फूका। पुतला फूकने से पहले युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल मुर्दाबाद की जमकर नारेबाजी की और जूते और चप्पल से पुतले को पीटा भी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी प्रतीकात्मक विरोध किया जा रहा है, इसके बाद विरोध का स्वरूप और भी ज्यादा तीखा होगा। आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कानपुर के कार्यकर्ताओं ने इस देश के विवादित और अपवादित मुख्यमंत्री केजरीवाल का पुतला दहन किया है। उनको शौक हो गया है कि हिंदुओं के विरोध में बोल करके समाचारों में चर्चित होने का। तो युवा मोर्चा कानपुर उनसे आह्वान करता है, अगर उनकी बुद्धि ठीक नहीं हुई, उन्होंने अपनी बयानबाजी नहीं की, वो भी सदन में इस प्रकार की शर्मनाक बयानबाजी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने प्रतीकात्मक काली पोती है, प्रतीकात्मक उनका पुतला दहन किया है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उत्तर प्रदेश में बाबा जी की से सरकार के नेतृत्व में जिस दिन वो उत्तर प्रदेश की सीमा में आए उनके मुंह पे कालिक पोत कर और उनके। खबर देवरिया से है जहां पर जमीनी विवाद में मारपीट हुई जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान ईंट पत्थर भी चले, ये विवाद बाउंड्री वॉल को लेकर हुआ और मामला आपसी पट्टेदारी का बताया जा रहा है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये मामला देवरिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के राम गुलाम टोला का है। हम लोग की मकान है, हम लोग देवरिया में नहीं थे, तीन भाई हम लोग हैं, तीनों में कोई नहीं था, बाहर हम लोग थे। तो ये लोग लोग को लगा कि कोई घर पे है नहीं, तो 25-30 की संख्या में लेबर लगा के दीवार तोड़े हैं लोग, तोड़ के सारा ईंटें निकाल के अपने घर में रख लिए लोग। मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जो अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में हुआ। थाना कोतवाली जनपद पुलिस को अपराध से संबंधित लोगों को बैंक और फर्जी दस्तावेजों के साथ लोन प्रोवाइड कराने के संबंध में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया जिसमें अभियुक्त राजेश सहित कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 2,80,00,000 रुपए का लोन इस तरह से विभिन्न लोगों के नाम पर लिया गया है। इस पूरे गिरोह का जो काम करने का तरीका और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी जानकारियां हुई हैं, जिनके लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। आगे आने वाले दिनों में और लोगों की भी इसमें गिरफ्तारी होगी और एविडेंसेस के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी वो भी खंगाला जा रहा है कि पूर्व में ये जो इसका मास्टरमाइंड है राजेश अग्रवाल की किन गतिविधियों में संलिप्त रहा है। खबर अलीगढ़ से है जहां बीते अप्रैल 2021 से यानी 31 मार्च 2022 तक का समय शराब कारोबार के लिए काफी लकी रहा है। इस बीते वर्ष में शराब प्रेमियों ने करीब 60 अरब से ज्यादा की शराब की खरीद की है। इन दिनों में जिले में हुई रिकॉर्ड तोड़ शराब बिक्री से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मदिरा प्रेमियों का जनपद में कमी नहीं है। बता दें कि युवाओं के अलावा अधेड़ और बुजुर्ग वर्ग के लोगों ने भी शराब का खूब सेवन किया है। अलीगढ़ में देसी शराब 90,57,772 लीटर पिछले सालों में उपभोग हुआ था। इस साल 1,26,012,61,978 लीटर उपभोग हुआ है जो 24% अधिक है। इसी तरीके से विदेशी मदिरा पिछले साल 58,95,958 बोतल हुआ था उपभोग और इस साल 72,19,118 बोतल का उपभोग हुआ जो 22% अधिक है। और बियर का उपभोग पिछली साल 88,25,664 केन हुआ था जो इस साल 1,34,60,295 केन हुआ है जो 53% अधिक है। अगर हम इन उपभोग आधारित राजस्व की बात करें तो देसी विदेशी बियर के उपभोग से हमें पिछले साल 537.49 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था। इस वर्ष हमें देसी विदेशी बियर के उपभोग से 682.45 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो गत वर्ष।
खबर देवरिया से है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने लूट का एक असफल प्रयास किया, जिसमें गार्ड ने एक बदमाश को पैर में गोली मार दी थी। वहीं दो बदमाश मौके से फरार हो गए, उनमें से एक को पुलिस ने दबोचकर कस्टडी में ले लिया है। वहीं इस घटना का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि इसका मास्टरमाइंड CMS कंपनी के कस्टोडियन बैजनाथ सिंह था। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो व्यक्ति इसका कॉन्स्पिरेटर था, षड्यंत्रकारी है, जो कैश कलेक्ट करता है, उसी के साथ विक्टिम के साथ था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक और अभियुक्त जो घटना में शामिल था, जन्मेजय, उसे भी पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस प्रकार इस घटनाक्रम में जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी वो भी बरामद हो गई है। सभी अभियुक्त कांड फार हो गए हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई और NSA। खबर लखीमपुर से है, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी इस नगर मैलानी के श्री बालाजी मित्र मंडल की सर्वसम्मति और जन सहयोग से शोभा यात्रा शिव मंदिर से चलकर सारे नगर से हुई और यात्रा का समापन शिव मंदिर पर हुआ। इस दौरान कलाकारों ने संध्या भजन का भी आयोजन किया और ढोल नगाड़ों के साथ भक्त गणों का स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में एक महिला ने जागरूकता दिखाई। थाना अवागढ़ क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला ने टूटी रेल पटरी देखी तो लाल साड़ी दिखाकर एटा से टूंडला जा रही एटा टूंडला पैसेंजर ट्रेन रुकवा दी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। महिला के साहस और सूझबूझ की सराहना भी की जा रही है। पटरी टूटी थी जी, तो हमने अपने खेत में जा रहे जी, हमने देखी वो, सो हमने कहा था अपनी साड़ी उतार के जी और लगा के और हमने ट्रेन रुकवाई। हमने कि यहाँ में बहुत लोग हैं, कोई घटना है सकती है। तो आपको पता था कि ट्रेन रुक जाएगी साड़ी से? हमारी साड़ी से हमें जो पता है कि झंडी पंडी लगा देते हैं, कहते हैं लोग बहुत से के लाल झंडी से खतरा हो जाता है जी, तो मतलब ट्रेन रुक जाती है। आप भी लाल साड़ी पहनी थी। महिला चिकित्सक अर्चना शर्मा आत्महत्या के मामले पर आगरा IMA चिकित्सकों के द्वारा आगरा के MG रोड पर मार्च निकाली गई। मार्च के दौरान डॉक्टर काफी आक्रोशित नजर आए। आगरा IMA डॉक्टरों के द्वारा इस मामले को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार दिया गया है। इसके साथ ही हत्या आरोपियों को फांसी देने की मांग डॉक्टरों के द्वारा की गई है। डॉक्टरों के द्वारा निकाले गए मार्च के कारण MG रोड पर जाम की स्थिति बन गई। न्याय न मिलने पर डॉक्टरों के द्वारा आगे भी शांति न रहने का नोटिस लगाया गया है। आगरा के शहीद स्मारक में बड़ी ही संख्या में डॉक्टरों की भीड़ इकट्ठा हुई। आत्महत्या मामले में डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने को लेकर डॉक्टरों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर मृतका को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। डॉक्टर अर्चना जी के साथ में ये जो कुछ हुआ ये बहुत ही खराब हुआ है और हर लेडी डॉक्टर इस चीज़ को झेलती है। पीपीए चुकना लेडी डिलीवरी के साथ में अक्सर हो जाता है और इसको हर लेडी डॉक्टर झेलती है, पर उन्हें इतना ज़्यादा हैरेस कर दिया गया कि वो सुसाइड जैसा अटेम्प्ट ले लिया उन्होंने। ये श्रद्धांजलि जो अर्पित की गई है, यहाँ पे कम से कम 700-800 डॉक्टर जो आगरा के हैं और शायद ही आज सारी चिकित्सा सेवाएं बंद हैं। मैंने पिछले 25 साल में पहली बार ऐसा देखा है कि इमरजेंसी चिकित्सा सेवाएं बंद हैं और मेरा सिर्फ कहने का आशय यह है कि इमरजेंसी चिकित्सा सेवाएं बंद करना चिकित्सक का जीर होता है। इमरजेंसी चिकित्सा सेवाएं ऐसे नहीं बंद की जाती। खबर उन्नाव से है, जहां पर पेपर कैंसिल होने के बाद घर पहुंची छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। जैसे ही परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि छात्रा काफी समय से बीमार चल रही थी, पर लोगों में इस बात की चर्चा है कि इंटर का पेपर लीक होने से वो तनाव में आ गई। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि परिजन द्वारा नहीं की गई है। वहीं पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। मामले में पूर्व CM अखिलेश यादव ने छात्रा की मौत को लेकर ट्वीट भी किया है। लड़की ने बताया कुछ नहीं है, मगर पेपर कल देने गई थी जी, तो पेपर एक तो लीक हो गया, उससे उसका दिमाग कुछ हो गया और यह 2 बार बीमार हो चुकी है, गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी, उसका इलाज भी चल रहा था। तो दो ही कारण हम लोग अपने मन से समझ रहे हैं, मगर लड़की ने कुछ बताया नहीं। कारण उसका किसी से बताया नहीं, कारण क्या रहा है, पेपर दे करके आई, उसके बाद कुछ बताया नहीं। नहीं, एक जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक हुआ है, शायद उसके दबाव के चलते फांसी ली। ऐसा तो कुछ नहीं बताया है जी, बताया कुछ नहीं।
फांसी लगाकर के आत्महत्या कर लिया गया है। इसमें प्रथम दृष्टिया जांच में पाया गया है कि लड़की बीमार रहती थी, उसको दौड़े आते थे, उसने एक सुसाइड नोट भी छोटा सा छोड़ा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।